अच्छा तो 16,000 में से ब्रायन का शेयर हो गया 10,000 और जॉन का शेयर 6,000 आ जाएगा। ठीक, और ये इनके करंट अकाउंट में डेबिट। रिमेनिंग लॉस 10,000, 6,000। ठीक है, अच्छा इसके साथ ही आपके ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा क्लोज। ठीक, अब करंट अकाउंट क्लोज करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल करें 71,000 और 86,000। टोटल लेते हैं 71,000, 86,000। इसका कैरी डाउन आ जाएगा आपके पास 71,000 माइनस 10,000 61,000 और 86,000 माइनस 6,000 80,000। चलिए करंट अकाउंट बैलेंस आ गया, क्लियर। अच्छा कैपिटल में कोई एंट्री नहीं होगी इसकी फिलहाल, तो कैपिटल का टोटल बैलेंस सब वही रहेंगे, तो इसको एज इट इज छोड़ दें। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, इसमें आप लिखेंगे इनके कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ब्रायन का कैपिटल अकाउंट है 1 लाख और करंट अकाउंट बैलेंस कितना है इसका 61। 61 तो 1 लाख में 61,000 ऐड होंगे, ऐड करेंगे ना, दोनों के नेचर इक्विटी है, ऐड हो गए। इसका करंट अकाउंट इसका टोटल बन जाएगा 1 लाख 61,000। एक मिनट रुकिएगा, प्रॉफिट हुआ है 61। हाँ प्रॉफिट है, पॉजिटिव है ना, टोटल हो गया 1,61,000। ठीक है, कैरी डाउन इसका डेबिट पे था तो ब्रॉड डाउन कहाँ आएगा, क्रेडिट पे, कैपिटल में ऐड हो जाएगा ना। कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट है, करंट अकाउंट का बैलेंस भी क्रेडिट, दोनों ऐड हो जाएगा। अच्छा जॉन का कैपिटल बैलेंस है 1,40,000, प्रॉफिट इसको हुआ कितना 80,000 का, करंट अकाउंट बैलेंस है 80,000, 80,000 दोनों को ऐड करते हैं 2,20,000 आपके पास इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लें। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, इसका सॉल्यूशन टैली कर लें। सेम चलेगा बोलने के अंदर हाँ ये पहन ले रहे मैंने, अच्छा लगता है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, इसका सॉल्यूशन टैली कर लें। हाँ ये नैब है, नैब नेचुरल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। जी, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन टैली कर लें इसका। जी सर वही दर्शन इतना होता है कोई दूसरा मुश्किल सर, से टाइम भी नहीं लगा लेना इनको डेली में, रुक जाना डेली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका सॉल्यूशन उसमें देखिए चेंज क्या आ रहा है कि नैप का प्रॉफिट शेयर था 5,000, ड्राइंग जिसने की 5,300 की, जिसकी वजह से इसका सीडी बैलेंस क्रेडिट पे आ रहा है और बीडी बैलेंस डेबिट पे चला गया। ठीक है, प्रॉफिट से ज्यादा ड्राइंग्स कर लिए, नैप का प्रॉफिट है 5,000, ड्राइंग्स कितनी है 5,300, प्रॉफिट से ज्यादा ड्राइंग्स हो गई, तब सीडी कहाँ पे आया, क्रेडिट पे, बीडी कहाँ आ रहा है, डेबिट पे। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट हम कैपिटल में से करंट अकाउंट बैलेंस माइनस करेंगे, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस है क्रेडिट, करंट अकाउंट बैलेंस डेबिट है, वो माइनस होगा, ये आपका नैप का बैलेंस आ जाएगा 4,700। ये आपने ना बेटी हाँ जल्दी कॉपी करो।